दोस्तों जिन घटनाओं को हम लोग फिल्मों में देखते हैं, अगर वो घटना हकीकत में होना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का दिमाग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिस घटना को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर विवश हो जाओगे। दरअसल बताया जाता है फूलपुर से पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने एक प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर लिया। बताया जाता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम था मोहित जायसवाल, बताया जाता है उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसे जेल ले गया और जेल ले जाकर के जेल में उसका अच्छे से कुटाई करा। अब आप सोच सकते हो कि कोई भी माफिया जो कि किसी का भी अपहरण करके उसे किसी दूसरे जगह पर नहीं ले गया बल्कि जेल लेकर के गया जहाँ की ऑलरेडी पुलिस वाले रहते हैं, और जेल ले जा करके बताया जाता है मोहित जायसवाल को बुरी तरह से पिटा गया, और पीटने के बाद मोहित जायसवाल का लगभग लाखों का प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया, और उसके बाद माफिया उमर अहमद जो कि फरार हो गया। आपको बता दें कि ये घटना है साल 2018 की। बताया जाता है साल 2018 में उसने उसे पीटा और पीटने के बाद वो फरार हो गया। बाद में उमर अहमद को पुलिस की टीम ढूंढना शुरू कर दी लेकिन पुलिस वालों को यह हाथ नहीं लगने दिया। हालांकि आपको बता दें कि बाद में एसटीएफ की टीम ने भी जांच पड़ताल करी लेकिन एसटीएफ की टीम भी फेल हो गई। बाद में ये केस गया सीबीआई डिपार्टमेंट के पास लेकिन सीबीआई वाले भी इन्हें नहीं ढूंढ पाए। अभी साल 2022 है तो आपको बता दें कि 4 साल तक जो ये उमर अहमद था ये 4 साल तक फरार रहा। बाद में सीबीआई डिपार्टमेंट के लोगों ने 2 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया, कहा कि जो कोई भी उमर अहमद का पता बताएगा उस व्यक्ति को 2 लाख इनाम दिया जाएगा। लेकिन फाइनली आपको बता दें कि ना तो कोई पता बता पाया और ना ही सीबीआई डिपार्टमेंट वाले खोज पाए, लेकिन फाइनली बताया जाता है उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया। और आज के समय में बताया जाता है उमर अहमद जिसने आत्मसमर्पण करने के बाद अपना जितना भी गलती था उसे कबूल कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि आज के समय में जिस तरह का घटना हो रहा है कहीं ना कहीं इन घटनाओं को सुनने के बाद लोग सोचने पर अवश्य विवश हो जाते हैं। और मैं भी जब आप लोगों को कोई भी घटना सुनाता हूँ तो पहले तो मैं भी जानता हूँ उस घटना को, तो जानने के बाद कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग एकदम सन्न से रह जाता है और मैं भी सोचता हूँ कि यार इस तरह का कांड ये लोग करता कैसे है। हालांकि इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन इस तरह के माफिया क्या आपके अगल बगल में भी है ये भी बताना थोड़ा कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको किसी और भी माफिया से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, या फिर आप ईमेल पर एक स्टोरी भी भेज सकते हो यदि आपके मन में कोई स्टोरी हो तो। तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस तरह के माफिया से हमेशा सतर्क रहना, सावधान रहना और अच्छे से रहना। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में।